तो दोस्तों फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फार्मर के खेत में, तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को पपीता की खेती, वो भी साइंटिफिक ढंग से कैसे यहाँ पे पपीता की खेती हो रही है। पहले भी आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाया हूँ खेत की तैयारी होते हुए, मेड़ बनाते हुए और मेड़ पर स्प्रिंग ड्रिप लगवाते हुए, तो सारा वीडियो में मैं पहले दिखा चुका हूं। तो फाइनली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, पपीता अभी लग रहा है और पपीता कुछ ट्रांसप्लांटिंग भी हो गया है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाता हूं, ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है, ऐसा वीडियो आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा ऐसा देखने को, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ खेत में आ करके कैसे यहाँ पे पपीता की खेती हो रही है, वो भी एकदम साइंटिफिक ढंग से। तो इस तरह से पपीता की खेती अगर आप भी करते हैं तो इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं अपने पपीता की खेती में। तो वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाई देखिए, ये पपीता भी ट्रांसप्लांटिंग का भी काम चल रहा है साथ साथ, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा ये फील्ड है, चारों तरफ से तारबाड़ी किया हुआ है। करीब 2 एकड़ का ये फार्म है पपीता का, अभी ट्रांसप्लांटिंग का काम चल रहा है और साथ साथ ड्रिप भी चल रहा है पानी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये पपीता ट्रांसप्लांटिंग हो गया है मेड़ पे और इसी में ड्रिप लगा हुआ है। ये ड्रापर से देखिए पानी गिर रहा है टपक टपक के, आप लोगों को दिख रहा होगा बूंद बूंद करके गिर रहा है, ये पपीता है। तो वैसे ही आप लोग देख सकते हैं सामने दिख रहा होगा, ये ड्रिप वाला सिस्टम लगा है, वहीं बोरिंग है और सामने किसान भी दिख रहे हैं, किसान इन्हीं का खेत है। ये 2 एकड़ का फार्म है, तो आप लोगों को दिखाते हैं पूरा फार्म का नज़ारा। तो देखिए ये पानी टपक टपक गिर रहा है, मेड़ पे आप लोगों को दिख रहा होगा भीगा हुआ, क्योंकि बूंद बूंद करके ये पानी गिर रहा है, मेड़ जो है पानी से पूरा भीग गया है। तो ऐसे ही सिंचाई होता है पपीता में, क्योंकि ज़्यादा पानी लगाने से पपीता में नुकसान हो जाता है, पाद गलन की समस्या आ जाती है। तो किसान भाई मेड़ बनाकर पपीता की खेती की जाती है और इस पर ड्रिप लगाना बहुत ही अच्छा होता है पपीता के लिए और सक्सेस होता है। तो आप लोग देख सकते हैं आगे अभी ट्रांसप्लांटिंग चल रहा है और पूरा ये 2 एकड़ का फार्म है, अभी इधर ट्रांसप्लांटिंग नहीं हुआ है,